हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अगेन कैंडी क्रश कवर करने वाले हैं, जो कि हमने जो सीरीज चला रखी रेलवे साइंस क्वेश्चंस की, उसमें हम हर रोज कैंडी क्रश कवर करते हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए या SSC सीजीएल एग्जाम की बात कर ले या किसी भी स्टेट PCS एग्जाम की बात कर ले, क्वेश्चन आपको ऐसे ही साइंस के देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, वहां पे हम उन सारे के सारे एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। अब अगर बात की जाए ग्रेगर मेंडल ने ये जो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, वो किसी आदमी पर किया था, किसी जानवर पर किया था या किस चीज पर किया था। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था ये इन्होंने किया था पी मटर के दाने पे इन्होंने किया था प्रयोग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। हम कहने को तो कह देते हैं कि लड़की हुई है या लड़का हुआ है, ये लड़की हुई है तो हम अपने समाज में देखते हैं कि सिमल को दोष दे दिया जाता है, बट ये पिता के गुणसूत्रों से निर्धारित होता है कि ये मेन जो चाइल्ड होगा वो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह बताना है कि मेल चाइल्ड होने के लिए XX क्रोमोसोम होना चाहिए या XY क्रोमोसोम होना चाहिए, राइट? और फीमेल चाइल्ड होने के लिए XY क्रोमोसोम होना चाहिए या फिर XX क्रोमोसोम होना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ये 46 होती है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, वो विटामिन B1 का इंटेक करते हैं। ओके, अब अगर विटामिन B1 की बात की जाए तो विटामिन B1 का आपसे दूसरा नाम इसका क्या है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विटामिन B1 को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। विटामिन से रिलेटेड, डिफिशियंसी डिजीज से रिलेटेड और जो भी इसके सोर्सेज हैं इससे रिलेटेड ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा चुके हैं, आप चैनल पर जाकर उन सारे वीडियोज को 1x1 देख सकते हैं। और ये विटामिन B1 किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये मेटाबॉलिज्म जो होता है, कार्य क्षमता जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए विटामिन B1 काफी इम्पोर्टेंट होता है, काफी जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी कैसा नहीं हो सकता है, तो ऋणात्मक परिमाण नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राकृतिक बहुलक है रबर। ये काफी छोटा क्वेश्चन है देखा जाए तो, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। वो कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर, तो उस टाइप के क्वेश्चन हैं ये। और सुचालक और कुचालक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, विद्युत का सुचालक कौन है, विद्युत का कुचालक कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में चिपका ही देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी दिखे आप उसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। अब ये क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है, साथ ही साथ आपसे ना एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, एसिटिलीन का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, ये फ्रेंड्स ये आप नोट कर लेंगे गाइस, ये होता है C2H2। ठीक है, और दूसरा आप एक चीज और इम्पोर्टेंट आप जान लेंगे कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर जो होता है इसको ना मरून कलर से पेंट किया जाता है, ये भी आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, तो ये प्रयुक्त होता है मृदु लोहा। अच्छा ये बताइए कि विद्युत चुंबक, ये जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ना, ट्रस्ट में ये सारे एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है या रिवीजन की जरूरत है तो आप इसको अपने नोट्स में इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए विद्युत चुंबक की,
तो विद्युत चुंबक की खोज कभी हुई थी? ये 1825 में, 1825 में हुई थी। और किसने खोज करी थी? खोज हुई है तो कोई खोज करता भी होगा, तो ये कौन है? ये है विलियम स्टर्वन। तो इनका नाम मैं लिख लेती हूँ, ये है विलियम स्टर्वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि मस्तिष्क और मेरु रज्जू को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी डिजीज है, सिम्टम्स हैं, इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो ये रोग होता है मेनिनजाइटिस। अब मेनिनजाइटिस से रिलेटेड एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि ये ठीक कब होता है? मेनिनजाइटिस को बहुत सारे लोग ना दिमागी बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको मेनिनजाइटिस ना देखे, अगर आपको दिमागी बुखार दे दिया जाए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब ये जो दिमागी बुखार है, जिसको हम मेनिनजाइटिस के रूप में भी जानते हैं, ये कितने दिनों में ठीक होता है? ये होता है 10 से 15 दिनों में। ये भी आप इसका ड्यूरेशन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है ना, ये क्या है? ये किलोग्राम है। ठीक है, और वाट किसका है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियोस में कवर कर रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किससे बना होता है? इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, उसका वजन चांद पर क्या होगा? उसका वजन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट करेंगे, उसका जो वेट है वो चांद पे कितना होगा? तो 6 गुना कम होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये 100 जो इसका वजन होगा, वो अगर 600 पृथ्वी पर है तो 100 कितना होगा? चांद पे होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सोना का आपेक्षिक घनत्व क्या है? तो सोना का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो होता है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ठोस इकाई की ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ये है स्टेरेडियन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे, स्टेरेडियन किसकी इकाई है? ये इकाई है ठोस कण की। क्वेश्चन नंबर, सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में है कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक कैसे बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा कि ये आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इससे क्या बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को इसकी प्रतिस्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है, खींचा जाता है, तो यह क्या हो जाता है? यह प्लास्टिक के फॉर्म में आ जाता है, यह क्या बन जाता है? प्लास्टिक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब एक बात बताइए, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, ये आप सबको तो पता ही होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि एक इक्वेशन आपको दे दिया जाता है, 3-4 इक्वेशन आपको दे दिए जाते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि बीच में जो मिसिंग होता है ये क्या है, या आपको एक इक्वेशन दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि ये सही इक्वेशन है या गलत इक्वेशन है। मैं किस इक्वेशन की बात कर रही हूँ, मैं किस सूत्र की बात कर रही हूँ? तो ये बात कर रही हूँ मैं फोटोसिंथेसिस, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया से रिलेटेड है। तो इसका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेंगे, ये मैं नोट कर रही हूँ। जस्ट अ मिनट फ्रेंड, आई थिंक यहाँ पे एक मैंने ब्लैंक पेज रखा है जहाँ पे मैं कुछ नोट कर सकूँ। तो ये आप जो फोटोसिंथेसिस का जो फॉर्मूला है ये आप नोट कर लेंगे, ये है C6H2O, जो कि आपको C6H12O6+6O2 में हो जाता है। तो आप ये जो फॉर्मूला है, 6CO2+6H2O6, C6H12O6+6O2, इस तरीके से आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, एंड ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में भी आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा।
सोल्डर टाका मिश्र धातु है। टाका किसका मिश्र धातु है यह आपसे पूछा जा रहा है। यह है टीन तथा शीशा का मिश्र धातु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है। सबसे पहले आप देखते होंगे कि जो भी हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं वो प्रेशर कुकर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या दाल चावल या कुछ भी आप प्रेशर कुकर में डाल दो तो ये नॉर्मली अगर लिटरली बात किया जाए तो ये काफी जल्दी पक जाता है। तो ये जल्दी पकता क्यों है ये हम जान लेते हैं। ये इसमें क्या होता है ना कि प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक जो है ये काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 बात कर लेते हैं, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता है रेडॉन। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वायुमंडल में कौन कौन सा गैस पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि। आपसे यह पूछा जा रहा है कि ये जो ओजोन परत है ना ये प्राणियों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होती है, कैसे यूजफुल होती है, ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सूर्य का जो पराबैंगनी किरणें होती है ना वो डायरेक्ट हमारा स्किन, हम इस चीज को सहन नहीं कर सकते हैं, तो उससे हमें प्रोटेक्ट कौन करता है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट कौन करता है, ये करता है पराबैंगनी किरण। अब एक क्वेश्चन जो आपको पराबैंगनी किरणों से पूछा जाता है वो भी हम यहाँ पे वो पॉइंट देख लेते हैं कि पराबैंगनी किरणों का जो वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ कितना होता है। तो फ्रेंड्स वो वेवलेंथ जो होता है आपका पराबैंगनी किरणों का ये होता है 10 nm से लेके 400 nm तक इसका क्या होता है वेवलेंथ होता है। ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट करने की याद करने हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी करेक्शन की जरूरत लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स इससे पहले भी हमने काफी सारे सेट्स कवर कर रखे हैं, आने वाले वीडियोस में हम हिस्ट्री पॉलिटी और हर एक सब्जेक्ट के 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे और साथ ही साथ उन सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे वीडियोस आप देख लेंगे वन बाय वन। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। सो हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।